आज हम बात करेंगे एन ओवुलेशन ब्लीडिंग की। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर हिना, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट अपोलो क्लिनिक एंड CHD सिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़। एन ओवुलेशन ब्लीडिंग को पहले हम समझेंगे कि एन ओवुलेशन यानी कि ओवुलेशन जब नहीं हो रही होती है। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है उससे कुछ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, और वहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ओवरीज के अंदर शुरुआत के जो मेंसेस के बाद के फर्स्ट 10 डेज में है उसके अंदर फॉलिकल्स बनाते हैं। फिर वो जो फॉलिकल्स हैं मैच्योर होते हैं और उनमें से एक फॉलिकल जो है वो बड़ा होकर मैच्योर होता है और उसमें से एग रप्चर होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। जब ये ओवुलेशन होने वाली होती है तो इससे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जिसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है और जिसके कारण ये ओवुलेशन हो जाती है। ओवुलेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो मात्रा है बॉडी में वो बढ़ जाती है। अब अगर किसी भी कारणवश से ये ओवुलेशन नहीं हो रही है, चाहे वो मैं कहूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है या हाइपोथैलेमस में कोई दिक्कत आई है या हार्मोनल इम्बैलेंस इस वजह से हो रहा है, जितने भी हार्मोन्स हैं थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, FSH हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। और किसी भी कारणवश अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, यानी कि मान लीजिए कि पिट्यूटरी का डिसफंक्शन हुआ, तो इरेगुलर हमारे जो हैं पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, साइकिल्स इरेगुलर हो जाती हैं, डिलेड आ सकते हैं या बहुत शॉर्ट साइकिल्स हो सकती हैं। या अगर पिट्यूटरी बिल्कुल ही फेलियर हो गया है, यानी कि कुछ लोगों में जैसे पीरियड्स शुरू ही नहीं होते या शुरू होकर फिर वापस से सिक्स मंथ्स के लिए पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उनको हम सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। इन्हीं सब पेशेंट्स में ओवुलेशन फेलियर बहुत कॉमन होता है। अब पेशेंट जो है ओपीडी में ओवुलेशन फेलियर के दो मेन सिम्टम्स के साथ आते हैं। एक हो गया इरेगुलर पीरियड्स जिसकी हमने अभी बात की, दूसरा होता है इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं कि यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। बहुत बार पेशेंट्स आकर ऐसा कहते हैं कि हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो ये वो स्टेट होती है कि जब ये क्रॉनिक हमारे पास ओवुलेशन हो ही नहीं रही है, क्रॉनिक एन ओवुलेशन के फेज में चले जाते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि साल में 2-3 साइकल्स ऐसी होती हैं कि ओवुलेशन नहीं हो रही है, फिर वापस से होने लग जाती है, तो उसमें इरेगुलर साइकल्स होते हैं। अगर बिल्कुल ही ओवुलेशन नहीं हो रही है, क्रॉनिक एन ओवुलेशन हो गई है, तो वो हमारी जो है इनफर्टिलिटी का एक कॉज बन जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा PCOD एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एन ओवुलेशन बहुत कॉमन होती है। PCOD में हम जानते हैं कि ऑलरेडी वेट गेन होता है, साथ में फेशियल हेयर स्पेशली जॉ लाइन के ऊपर फेस में जो हेयर होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, एक्ने फेस पे पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको एंडोमेट्रोसिस है, एंडोमेट्रोसिस के अंदर एग क्वालिटी काफ़ी डिक्रीज हो जाती है, ओवुलेशन पैटर्न जो होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम एक्सेसिव कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके कारण भी ओवुलेशन डिस्टर्ब होती है, या अगर वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन फैक्टर्स कि हम कहें कि ओवुलेशन प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। अब इसको जानने की कैसे ज़रूरत है कि हाँ कि ओवुलेशन वाकई होने वाली है कि नहीं होने वाली है। देखिए, कुछ साइंस होते हैं बॉडी में जो ओवुलेशन के हमें पता चलते हैं, अगर हम उनको ध्यान से मॉनिटर करें तो हमें पता चल जाएगा कि ओवुलेशन होने वाली है या नहीं होने वाली है। उसके लिए हम बॉडी का बेसल टेम्परेचर मेजर करके देख सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, ओवुलेशन जैसी होती है तो बॉडी का बेसल टेम्परेचर राइज कर जाता है उसको, लेकिन हमें सेम टाइम ऑफ द डे पे मेजर करना होता है प्रॉपरली, बिना खाने से पहले मेजर करें, क्योंकि फूड्स का अगर हम गर्म ठंडा कुछ खा रहे हैं या कुछ हैवी वर्कआउट करके आए हैं तो भी वो टेम्परेचर ऑल्टर हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है कि सर्वाइकल म्यूकस, ओवुलेशन जब होने वाली होती है तो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वेजाइनल डिस्चार्ज, वो बिल्कुल स्टिकी ट्रांसपेरेंट ऐसे तार की तरह जो दिखता है वैसा डिस्चार्ज होता है। अगर वो डिस्चार्ज हम नोट करें तो हाँ हमें पता लग जाता है कि ओवुलेशन होने वाली है या नहीं होने वाली है। उसके अलावा मार्केट में LH सर्ज डिटेक्शन किट्स आती हैं। देखिए, उन किट से हमें ये तो पता चल जाता है यूजुअली कि हाँ ओवुलेशन होने वाली है, जैसे LH हार्मोन राइज किया तो हमें पता लग जाएगा कि ओवुलेशन होने वाली है, किट में ये डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन ओवुलेशन हुई कि नहीं हुई ये जब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ हम बता नहीं सकते कि हाँ वाकई ओवुलेशन हुई थी कि नहीं हुई थी। और एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। इसके अंदर हम फॉलिकल को मॉनिटर करते जाते हैं और देखते हैं कि ओवुलेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो
एन ओवुलेशन का जो हमारा इंसिडेंस है कि मैं कहूँ कि लगभग 30% जो साइकिल्स होते हैं वो एन ओवुलेटरी साइकिल्स होती हैं और इनफर्टिलिटी का एक कारण होती हैं। इनके लिए देखिए हमारे पास मेडिसिन होती हैं जिससे हम ओवुलेशन इंड्यूस करते हैं, ओवुलेशन होने लग जाती है। कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो बहुत टाइम से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे होते हैं, जो 21 दिन या 24 दिन वाली गोलियां ले रहे होते हैं, उनके अंदर भी ये जो एन ओवुलेशन होता है बहुत कॉमन होता है, क्योंकि उनके ऐसा उनका जो मैकेनिज्म होता है वो ओवुलेशन को सप्रेस करते हैं, तो उस कारण भी ओवुलेशन नहीं हो रही होती। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर अपनी तरफ से हम रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल्स कम कर सकते हैं, जिन लोगों का वजन ज़्यादा है वो वज़न कम करें, जो लोग बहुत हैवी वर्कआउट्स करते हैं थोड़ा सा ईज आउट करें, अपने वर्कआउट को आराम से टाइमली करें, और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और एन ओवुलेटरी साइकिल्स के लिए मेडिसिन लें। थैंक यू। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।